लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार में तेजी से जुट गए हैं। इसको ही लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अपने लोकसभा सीट गुना पहुंचे थे। इस दौरान सिंधिया को माल्यार्पण करने नेता और कार्यकर्ताओं की भीड़ लग गई। इसके बाद सिंधिया सख्त हो गए और नेताओं को काम करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सब लोग अपने अपने क्षेत्र में काम पर लगे, यहाँ माल्यार्पण में ना लगे, मुझे काम चाहिए, मुंह दिखाई नहीं। साथ ही सिंधिया ने नेता और कार्यकर्ताओं से चुनाव में जुटने के लिए कहा। वैसे कांग्रेस से भाजपा में जाने के बाद सिंधिया विपक्ष के निशाने पर हमेशा रहते हैं। इस बार सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में गुना लोकसभा से चुनाव मैदान में हैं।